ये हाँ रोल सारे ले सारे गुड ना ये कह रहा था कि हाथ में रोले
một càng đông. Rolling. मुझे बहुत मन था कि एक लाल लहंगा बना दो उसके लिए, पर अभी को वो लहंगे पसंद नहीं है। क्यों? आयशा से कभी दुल्हन नहीं बन पाएगी। खैर ये तो पुरानी बात है। ये उसका फेवरेट ड्रेस है, उसे लगता था कि ये पहनने के बाद वो परी बन गई। इनफैक्ट पूरी रात इसी में सो गई थी वो, उतारना ही नहीं चाहती। जैसे काश मेरी भी बेटी होती ना तो मैं उसे ऐसी सजाती। हाँ जी, है ना तेरी बेटी? हाँ बेबे, मतलब अपनी मेरी बेटी तो है और क्या। अरे नहीं कह रही हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, बेटी है वो मेरी। वैसे ट्यूबलाइट है लेकिन शुक्र है फाइनली जल पड़ी। बेबे अच्छा तो आप लोग इससे ओके हो ना, मतलब हम वाइट वेडिंग थीम ही रखे ना, और नील ब्लैक टक्सीडो परफेक्ट। अच्छा नहीं लग रहा। आइसक्रीम भी खिलाएंगे हमें। एक सेकंड सॉरी। ओ भाई आप ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा। एक रात बिल्कुल नहीं चलेगा। रोल ब्लू टक्सीडो। हां जमेगा जमेगा। ब्लू नहीं बोला, ब्लैक बोला है। ब्लैक टक्सीडो। रोल ये उम्र हो गई है, कटिंग कर रहे थे। यस रोल टक्सीडो जमेगा। रोलिंग एक्शन। तो नील ब्लैक टक्सीडो परफेक्ट सुपर। हां नीला तुम। अच्छा नीला सुन भाई, तू ना वो बन जाना, वो अंग्रेजी फिल्मों में जो होते हैं ना, नीला तू ना वो बन जाना जो इंग्लिश फिल्मों में वो जो ब्राइड को लेके आते, क्या कहते हैं उसे, ब्राइडमेड। हाँ और हाँ मैं ना वो बनूंगी, वो क्या होते हैं, ब्राइड ऑफ ऑनर। मेड ऑफ ऑनर। हाँ हाँ वही मेड ऑफ ऑनर। क्या है ना वो मेड ऑफ ऑनर ना एक दोस्त की तरह दुल्हन के साथ साथ रहती है और वो सब करती है जो दुल्हन चाहती है ना, तो मैं भी वही करूँगी। अरे मैं तो लड़की का बाप हूँ भाई। अरे भाई कमाल की बात है, आज सब लोग अपने अपने बातें कर रहे हैं। अरे अंग्रेजी में कुछ भी होता है लेकिन हिंदी में बाप ही बेटी को मंडप तक ले जाता है, समझे। तो ससुर है इसलिए ससुर। कमाल की बात कर रहे भले, वो ससुर और बाप में कोई फर्क होता है क्या? एक कुछ अलग टू इन वन। सबने सब कुछ ले लिया तो मैं क्या बनूं? मैं वो बन जाती हूँ मैन ऑफ द मैच। नहीं वो क्या, बेस्ट मैन। अरे क्या हुआ बेबे, बेस्ट मैन नहीं हाँ बेस्ट वुमन हुआ। ओ कोई कोई गल है, हैंडसम वुमन। अच्छा बाबा ये बेस्ट वुमन, ये सब हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले ये तो डिसाइड कर ले कि तैयारी क्या करनी है। भाई अंगूठियां मैं ले आऊंगी, बाकी तुम लोग देख। हां और वो जो ऐसे फूल ऐसे शावर करते हैं ना नीला जी, देखिए हम सब कैसे बच्चे बन गए हैं, अब मजा आ जाए अगर ऐसे में नील और अपनी हमारी गोद में एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा करें। ये की ना तुम्हें लग तक की बात, भाई मैं तो सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊंगी। तुम लोगों को कोई दादी नानी बनने में प्रॉब्लम तो नहीं है? और तो दादा बन के खुश है। परफेक्ट। हमने दही खिचड़ी पका ली। ओके बहुत दिनों बाद ऐसा, जो लोग नामकरण देख रहे होंगे उनको ये पता है कि जो हमारी बहू थी अवनी और हमारा बेटा जो नील, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था जूही को लेके। रंगमहल में सारा प्लान चल रहा था, कुछ माफियाज लोग इन्वॉल्व थे, पंडित भी इन्वॉल्व थी उसमें, तो वो बहुत खूबसूरती से वो सब जो दिखाया गया। और अब ऐसा है कि उस सब पाप का अंत हो गया है दशहरे के साथ। दर्शक लोग जब देखेंगे कि जैसे रावण मरता है, मतलब सिंबॉलिकली ये है कि हर बुराई का अंत होता है, तो उस बुराई का भी अंत हो गया है। अब वो बुराई का अंत हो गया तो हमारे घर में खुशियाँ फिर से लौट आई हैं और हम सब लोग अपने अपने तरीके से प्लान्स बना रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं भी हमारी थीम रहेगी वाइट, तो मैं कोई वाइट सूट पहनूंगा या कुछ वाइट, अभी जैसे हम जो सीन आप देख रहे थे उसमें डिस्कस कर रहे थे कि वाइट थीम रखेंगे, तो वाइट में देखिए वाइट कुर्ता पजामा भी हो सकता है, वाइट टक्सीडो भी हो सकता है, वाइट कोट पैंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी बीच आपने एक बात कही थी कि घर में छोटे बच्चे भी आने चाहिए। हाँ अब क्या होता है कि देखिए हर माँ बाप का ये सपना होता है कि अगर उसके बच्चे की शादी हो तो एक छोटा बच्चा घर में होना चाहिए,
इतना बड़ा व्यापार है जिनका, और उनके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, तो ये एक हर माँ बाप की और दादी की, बाबा की, नाना नानी की, सबकी तमन्ना होती है। तो ऐसे ही हमारी भी तमन्ना है कि भाई हमारे घर में नील और अवनी का एक बच्चा है या बच्ची, जो भी हो। अब नवरात्रि चल रही, तो संजय जी किस तरह से नवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे हैं? नवरात्रि देखिए, नवरात्रि हम इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि बहुत माता रानी का ध्यान करते हैं, और ये ऐसी अपेक्षा करते हैं, कामना करते हैं कि हम भी खुश रहें और हमारे आसपास के लोग भी सारे खुश रहें, और बल्कि हमारे आसपास के क्यों, हमारा पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया में अमन चैन शांति रहे, और हम तो माँ से यही प्रार्थना करते हैं। जाते जाते व्यूअर्स को क्या कहना चाहूँगी? मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि नामकरण जो हमारा शो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ में आने वाला है, तो प्लीज़ आप उसको बैठ के देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ट्वीट कीजिएगा, फेसबुक पर लिखिएगा, और जहाँ आपको सोशल मीडिया पर मौका मिले लिखिएगा। आई एम एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।